मध्य प्रदेश का भोपाल सागर NH-86 मार्ग रायसेन अपने निर्माण के 2 महीने बाद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हालत यह है कि नेशनल हाईवे की नई सड़क पर कई पुलों के पास सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं रायसेन के पास रीछन नदी के बड़े पुल पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बैठ गया, जिसमें सड़क पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर सफर तय करना पड़ रहा है। भोपाल से विदिशा NH-86 के अधिकारियों और सड़क कंपनी के ठेकेदारों की मिलीभगत से सड़क पर हुए भ्रष्टाचार के गड्ढे सरेआम उजागर हो रहे हैं। जिला प्रशासन को अब रीछन नदी के पुल के पास क्षतिग्रस्त हुई सड़क की शिकायत मिली तो जांच करने पहुंची PWD और पुलिस प्रशासन की टीम के सामने सड़क बनाने वाले ठेकेदार के लोग इस सब के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। NH ठेकेदार का आरोप है कि सड़क निर्माण के समय जल्दबाजी में सड़क को चालू करने के कारण ये समस्या सामने आई, जबकि PWD विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सड़क निर्माण में क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया और उचित देखरेख न होने के कारण सड़क में जहां तहां इस प्रकार की समस्या आ रही है और जनता बीच में पिसती नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, रायसेन।